Hey class 5, this is English Bulk and this video we are going to solve all the question answers of lesson 10, the spider and the fly. And here we have the questions. It's at page 102 of your book and I had already written the answers for you. So let's discuss. Answer these questions with reference to the context. So, what we have in the context reference, what we have given some lines and we have to find out the answers according to our reading of the chapter. So, oh my God, you do say the loveliest things. I'll come and by, I will not hurt, actually hurts tha yahan pe, feeling by thinking you to be a sly. Now, who says these words and to whom? Flip the fly says these words to Spidey the spider. Flip. कहता है स्पाइडर से. सेकंड, व्हाट लवली थिंग्स डिड यू से. नाउ ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है. तो आई थिंक यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में तो यू पूछ रहा है कि यू किसके लिए आया यहाँ. सो इन द अबाउ लाइन यू रेफर्स टू स्पाइडी. ही ट्राइड टू फ्लैटर फ्लिप. फ्लिप को ट्राई करता है फ्लैटर करने की. फ्लैटर क्या करना, मक्खन लगाना. बाई प्रेजिंग हर लुक्स, उसके लुक्स को, मतलब वो जैसी दिखती है, सुंदर दिखती है, उसके लुक्स को प्रेज करता है. क्या कहता है वो स्पाइडी. ही सेड दैट ही वाज प्रिटी, ये बहुत सुंदर है. विद पर्ल एंड सिल्वर विंग्स, क्योंकि जो विंग्स है वो पर्ल और सिल्वरी जस्ट शाइनिंग है. हर रोब्स वर ग्रीन, उसकी जो ड्रेस है वो ग्रीन कलर की है. मक्खी में ग्रीन और पर्पल कलर होता है ना. एंड हर आईज वर ब्राइट लाइक द डायमंड, और उसकी जो आईज है वो डायमंड की तरह ब्राइट है, चमकीली है. And there was a crown on her head. और उसकी मक्खी के सिर के ऊपर भी एक क्राउन है. मतलब इतनी सारी सारी झूठी तारीफ करता है उसकी. थर्ड वन, what happened after these words were said? अच्छा, ये जो वर्ड्स बोले गए उसके बाद क्या हुआ. After these words were said, Flip was flattered. Flip जो है फ्लैट हो गई, फ्लैटर्ड हो गई. किस पे? उसकी तारीफ सुनकर, खुद की तारीफ सुनना. अच्छा, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है. एंड डिसाइडेड टू गो इन टू स्पाइडीज पार्लर. उसने कहा कि स्पाइडी जो उसको बुला रहा था, उसके स्पाइडी के पार्लर में जाने को तैयार हो गई. एज शी फ्लू क्लोजर टू इट, जैसे उसके पास में गई फ्लिप, शी हियर फ्लिप, स्पाइडी जम्प्ड अप, हेल्ड हर टाइटली, जंप किया उसको, टाइटली पकड़ा, took her up to the his den, और उसको ड्रैग करके ले जाता है. This was the end of Flip's life. तो फ्लिप की लाइफ का ये एंड था. Just see all the questions again. You can take a screenshot also to write them properly. Here we have the second answer and the third one. Turning to the next questions we have. Here are the answer these question. What are Spidey's promise to Flip? So, Spidey promised to show Flip many curious things inside his parlor. It's very easy. Many curious things. बस इतना ही याद करना है. What did Spidey offer when Flip refused his invitation the first time? पहली बार जब Spidey उसको invite करता है अपने parlor में, तो वो refuse कर देती है, मना कर देती है. तो क्या किया उसने? स्पाइडी आस्ट फ्लिप टू रेस्ट हर वे. वो उसको कहता है, अरे तुम थक गई होगी, थोड़ी देर रेस्ट कर लो. स्पाइडी आस्ट फ्लिप टू रेस्ट हर वियरी हैट अपॉन हिज सिल्कन बेड, कि मेरा बेड है उस पर रेस्ट कर लो थोड़ी देर. स्पाइडी टोल्ड फ्लिप दैट हिज पार्लर हैड अ प्रिटी कर्टन्स एंड दैट द शीट्स वर फाइन एंड थिन. ही डिड नॉट गेट डिस्करेज्ड बाय फ्लिप्स रिफ्यूजल एट द फर्स्ट टाइम. वो कहता है मेरे थोड़े से पार्लर में रेस्ट कर लो, बहुत अच्छे पर्दे लगे हैं, जो कर्टन्स एंड कुशन्स आर वेरी गुड. लेकिन वो सबसे अच्छी बात थी स्पाइडी की कि वो जब पहली बार मना कर देती है, ही वुड नॉट गेट डिस्करेज्ड. वो डिसहार्टन नहीं होता है, डिस्करेज नहीं होता है, वो फिर से ट्राई करता है. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड स्पाइडी टेम्प्ट फ्लिप अ थर्ड टाइम. अच्छा, तीसरी बार कैसे उसको मना लिया अंदर आने के लिए अपने पार्लर में, अपने वेब में, कॉब वेब में. द थर्ड टाइम स्पाइडी टोल्ड फ्लिप दैट ही हैड अ गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट्स नाइस इन हिज पेंट्री, कि मेरी जो पेंट्री बनी हुई है उसमें बहुत ज्यादा अच्छी चीजें स्टोर करके रखी है खाने पीने की. एंड फ्लिप वुड बी वेलकम टू शेयर इट विद हिम, और तुम्हें मैं वेलकम करता हूँ कि तुम आओ और मेरे साथ शेयर करो ये सब. चिल्ड्रन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो, पॉज द वीडियो, राइट इट. Okay, fourth question we have.
Flip knew that going into Spidey's parlor would be led her to death. Give two example from the play which support this statement. Spidey, जो Flip है वो जानता है कि Spidey के parlor में गई तो मेरे तो मैं तो मरूंगी ही. तो इस चीज को explain करने के लिए दो examples दो यहाँ पे, कोई dialogue बताओ. Answer, Flip knew that going into Spidey's web would mean death for her. It's already in the question. And then, upon being asked by Spidey to enter in his parlor, Flip said, "For he who goes up." अच्छा, Flip क्या बोलती है? For he who goes up your winding stairs, जो तुम्हारी winding stairs पे चलता है, can never come down again. वो कभी वापस नहीं आता. ये तो था एक example. Another is, also when Spidey asked Flip to rest her pretty head upon her silken bed, she said, they never, never wake again. तो Flip क्या कहती है? They never, never wake again. वो कभी नहीं उठते. Who sleep upon your bed? जो तुम्हारे bed पे सोते हैं. Your आ जाएगा यहाँ पे. By mistaken, I have written her your. Fifth question, what did the spider finally do to trap the fly? The spider finally uses flattery to get Flip into his den when nothing else had worked. Spidey praises the fly for her looks. Praise karta hai sabse pehle usko, which she finally falls for, jiski wajah se wo uske baaton mein aa jaati hai. Next important question we have, what is the lesson that the story and the fly teaches us? The story teaches us not to be taken in the by flattery. Story बताती है हमें कि हमें flattery में नहीं आना चाहिए. Smooth talk, किसी की चिकनी चिकनी बातों में नहीं आना चाहिए. कोई हमारी तारीफ करे तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे हैं. So you can take screenshot, pause the video, right? And now the important one, think and answer. Here we have fables. Fables are the story that teach a lesson. फेबल्स क्या होती है? ऐसी स्टोरी जो हमें कोई सीख देती है. फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स. इनमें एनिमल्स के कैरेक्टर्स होते हैं जो इंसानों की तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह थिंक, सोचते हैं और एक्ट करते हैं. द स्टोरी ऑफ स्पाइडर एंड द फ्लाई इज ऑल्सो अ फेबल. स्टोरी भी फेबल ही है. डू यू नो अ फेबल वेयर अ कैरेक्टर यूजेस लाइज एंड ट्रिक्स टू समथिंग लाइक दिस? तो हम जो कहानियां जो हमारी ऐसी सुनते हैं, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो शेर और चूहे वाली, जो लायन एंड माउस थी, जो थर्स्टी क्रो थी, जो ग्रैप्स आर सोर फॉक्स की जो स्टोरी है, ये सारी स्टोरीज में आपने देखा होगा एक तो मॉरल होता है और एनिमल्स होते हैं जो एक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह. तो ये इनका कहानियों का एक संग्रह है जिसका नाम है पंचतंत्र. एक बुक है जो विष्णु शर्मा की लिखी हुई है, उसमें इसी तरह की फैबल्स हैं. नाउ लुक एट द आंसर. सो is this story also a fable, you think? Yes, the story of spider and the fly, it's actually a play na, is also a fable. Because isko bhi hum fable keh sakte hain, because it teaches us a lesson that not to be taken in by the flattery. Kyunki isse lesson milta hai hame ki hame kisi ki flattery aur smooth talk mein nahi aana chahiye. ठीक है, कोई ज्यादा ही तारीफ करे तो हमें समझ जाना चाहिए कुछ गड़बड़ है. एंड इट हैड अ स्पाइडर एंड अ फ्लाई, दे टॉक थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. और इनमें एनिमल्स होते हैं जो एक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह. नाउ रिकॉल गोपाल सर्वेंट इन द मैंगो स्टोरी, कंपेयर विद हिम विद स्पाइडी, हाउ आर दे सिमिलर, हु इज मोर डेंजरस? स्पाइडी इज मोर डेंजरस एक्चुअली. स्पाइडी और गोपाल का जो सर्वेंट था ना, उसको कंपेयर करना है मैंगो स्टोरी में. सो स्पाइडी इज मोर डेंजरस दैन द सर्वेंट बिकॉज ही किल्स फ्लिप, क्योंकि वो तो मार ही देता है फ्लिप को. But Gopal's servant was only greedy and told a lie to save himself. Now we turning to the book exercise. Actually, you can take a screenshot also. Okay, now turning to the book exercise, we are going to be over here. So, some are the words, we have to fill them. I didn't waste much time and just solve it. My father is a man of big intelligence, heavy intelligence, great intelligence. हमें बोलते ही पता चल गया कि great intelligence आएगा यहाँ पे. She made, ये कुछ words हैं जो selected चीजों के साथ ही आते हैं. ठीक है, ये कुछ adjectives हैं यहाँ. She made a big mistake by buying a fake necklace. Now, I cannot drink such strong coffee.
दे सेड स्ट्रांग कॉफी होती है ना, बिग कॉफी या हैवी कॉफी नहीं होती है. दे सेड देयर वुड बी हैवी रेनफॉल टुमारो. ही सेज इट वॉज अ वेरी हार्ड एग्जाम. What we have a crossword puzzle given to us and we have to write the antonyms. Antonyms are the opposite words. Opposites likhne hame easy ka ho gaya, difficult, narrow, big, best, worst, enormous, tinny, sharp, blunt. Sharp matlab tikha, blunt matlab jo tikha itna sharp nahi hota hai. Wise, foolish, bright, dull, humble, proud. प्राउड मतलब जो जिसको बहुत घमंड होता है अपने अंदर, और हम्बल मतलब जिसको घमंड नहीं होता, बहुत पोलाइट होता है. थिन थिक. नाउ आई हैड रिटन द क्रॉस वर्ड, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट एंड फिल इट अप. दीज आर द सेम वर्ड्स विच आई हैव रिटन इन देयर. इट्स यू सी इट्स डिफिकल्ट, इट्स वोस्ट, इट्स ब्रॉड, टाइनी. अब यहाँ ऐसे देखते हैं हम, ये ब्लंट, फूलिश, डल, proud, thick. Okay, so turning to the next page, and that's 104, we have, acha yahan par hame listen and say these words aloud, the highlighted words are silent. Now silent b is there, silent b. comb, b ki sound nahi aati, comb, kanga jo hota hai, comb, dipped, debt, sabki. बी की साउंड बहुत धीरे आती है. नाइफ, नॉट, नॉलेज. डी की भी साउंड नहीं है, के भी साइलेंट है, डी भी साइलेंट. लिसन, सॉफ्टन, विसल, हैंकरचिफ, हैंडकरचिफ नहीं होता है, हैंकरचिफ. हैंडसम, हैंडसम नहीं होता है, हैंडसम. वेडनेसडे नहीं होता है, वेंसडे. वेडनेसडे नहीं बोलना है, Wednesday. D would silent. Wednesday. Okay. Now, next we have some of the words given to us. Find the names of 8 different kinds of rooms and spaces you may find in a building. Ek building mein paayi jane wali spaces. Theek hai? Yahan par dekho, ek to aa gayi balcony, porch, dormitory, terrace. Ab aise dekhte hain hum isko. Left to right. Nursery. Green color se left to right hai. Attic. सेलर, फॉयर, और यही स्पेलिंग्स को यहाँ पर कंप्लीट करना है. पॉर्च, सेलर, नर्सरी, बालकनी, एटिक, डॉर्मिटरी, फॉयर, टेरेस. नाउ इट्स योर होमवर्क स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड आउट देयर मीनिंग्स. ओके, इनका मीनिंग्स आपको फाइंड आउट करना है इन अ डिक्शनरी. नाउ टर्निंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट्स प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस का एक वीडियो मैं जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ, उससे आपके प्रेपोजिशंस सारे क्लियर हो जाएंगे. बट हियर वी जस्ट मूव टू दी आंसर्स. प्लेस के लिए जो प्रीपोजिशंस आते हैं वो होते हैं अंडर, अबव, एट, इन, ऑन, इन, अंडर, बिसाइड. मूवमेंट और डायरेक्शन बताने वाले इन टू, ओवर, थ्रू. टाइम बताने वाले एट होते हैं, ऑन होते हैं, इन, सिंस, फॉर. एजेंसी वाले होते हैं बाय और विद. विद के साथ में इंस्ट्रूमेंट आता है, बाय का मतलब होता है के द्वारा. कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट. नाउ दे हैव स्विमिंग क्लासेस एट द एकेडमी. अच्छा, छोटी स्पेस के पास में या छोटी स्पेस में, एट द स्कूल मतलब उसके लिए एट आता है जब छोटी जगह होती है. फ्रॉम 6 PM टू 8 PM. नेक्स्ट, आई हैव बीन टीचिंग हियर. मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ प्रेपोजिशन का. आई होप कि आप सभी वो देखेंगे, और जब मैं वो पोस्ट करूंगी तो इस वीडियो में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप मैं ऐड कर दूंगी. आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 19. अच्छा, एक्यूरेट जहाँ टाइम होता है, सिंस और फॉर का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए. फॉर भी टाइम के लिए आता है, समय के लिए, और सिंस भी टाइम के लिए आता है. सिंस वहाँ आता है जहाँ पे एक्यूरेट टाइम दिया होता है, और फॉर वहाँ आता है जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक्यूरेसी नहीं होती. नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से, कब से ये एग्जैक्टली नहीं बताया, इसलिए फॉर आया. और यहाँ पर 1990 है तो इसलिए सिंस आया. इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री एट मिडनाइट ऑन 15 अगस्त इन द ईयर. ओके, एट एन ऑन, आई थिंक यू हैव गॉट इट. नेक्स्ट, द ओल्ड मैन रैन आफ्टर द नॉटी चिल्ड्रन विद हिज स्टिक व्हेन ही वाज हिट बाय देयर बॉल. द वुमन बिहाइंड द कैमरा क्लिक द कैट सिटिंग अमंग द पिजन्स अराउंड हिम. Okay, pigeons. Okay. The postman bought a letter for Rukmini from her parents.
सो हियर वी हैव फर्स्ट ब्लैंक में एट फ्रॉम टू सिंस फॉर एट ऑन इन आफ्टर विद बाय बिहाइंड अमंग फॉर फ्रॉम. ओके टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज वी हैव ऑल्सो द प्रेपोजिशंस हियर कंजक्शन. ओके वुड यू लाइक टू डांस और सिंग्स. डांस करोगे या और. एग्जाम में भी और लिखा होता है दो क्वेश्चन के बीच, मतलब दोनों में से एक करना है. No one opened the door, so I left the note. He got up from the chair and went towards the door. The door was closed, but the window was open. He has been working there for a long time. Exact time नहीं है यहाँ, इसलिए फॉर आया. Time होता है यहाँ from December या from 1928, तो हम since use करते. She ran after the thief because he had stolen her purse. Next exercise we have. Choose a suitable conjunction to complete these sentences. So she was angry though there was no reason for her anger. Though यहाँ पे दो का मतलब होता है हालांकि, क्योंकि भी हो सकता है. हालांकि जो वर्ड हम यूज करते हैं कि हालांकि ऐसा था भाई, लेकिन फिर भी वो हो गया. सो शी वॉज एंग्री, वो गुस्से में थी. हालांकि कोई रीजन नहीं है बड़ा गुस्से में होने का. यू कैन ट्रस्ट मी सिंस आई एम योर फ्रेंड, मेरा ट्रस्ट करो. सिंस यहाँ पे सिंस का मतलब बिकॉज के लिए भी हम सेंस में भी यूज कर सकते हैं. यू कैन ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ. दे ट्राइड टू कुक थ्रू, दे हैड नेवर डन एनी कुकिंग बिफोर. वो ट्राई कर रहे हैं कुकिंग का, हालांकि उन्होंने कभी पहले कुक किया नहीं है. यू कैन गो विद हर सिंस शी टू इज गोइंग विद सम वे. दो इट वॉज गेटिंग डार्क दे कंटिन्यू टू प्ले. हालांकि रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, लेकिन वो खेलते ही रह रहे हैं. यू कैन गो, तुम उसके साथ जा सकते हो क्योंकि, यहाँ पे सेंस का मतलब क्योंकि हो गया ना. वो उसी रास्ते से जा रही है. सिक्स वन, शेल आई गेट यू समथिंग, क्या तुम्हें कुछ ला दूं. सिंस आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, क्योंकि मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ. नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज है आपकी, इसमें ये डिजिट्स आप ऐड कर लीजिए. एंड इट्स इनफ, आई थिंक इट्स इनफ फॉर अस. Okay, and so this is your last exercise, which is important. Okay, have a nice day, children. If you found any doubt, you can ask me in the comment.